अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको ऑमलेट का एक नया तरीका बताने जा रहे हैं, यानी ऑमलेट को। तो इसके लिए हमने लिया है एक अदद अंडा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ ऑमलेट एक बंदे के लिए, बाकी सब ने खा लिया है। तो इस वजह से मैंने एक अंडा लिया है। आप जितने बंदों के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अंडे ले लें। ये मैंने टमाटर का भी एक ही पीस उनसे मतलब लिया था, फुल टमाटर नहीं डालना तो इसलिए, क्योंकि अंडा एक ही है। तो ये टमाटर देखो मैंने बिल्कुल छोटा छोटा करके इस तरह से काटा है। साथ में मैंने सब्ज़ी मिर्ची भी इस तरह से छोटी छोटी काटी है, और ये आधा प्याज, यानी छोटे साइज़ का था लेकिन आधा प्याज इस तरह से मैंने काट लिया है। अब ये देखे मैंने एक लिया है एक तवा, तवे को तकरीबन एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। ये गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इस पर डाल देंगे ये प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। वैसे हम ऑमलेट बनाते हैं तो हम इसमें सारी चीज़ें ऐसे ही डाल देते हैं ऑमलेट में। आप कभी इस तरह से ट्राई करें तो आपको देखना ये ऑमलेट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी और हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है। ये प्याज और कच्ची जो हम कच्ची कच्ची चीज़ें डाल लेते हैं उसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं तो टेस्ट का उसका जो टेस्ट है ऑमलेट का वो डबल हो जाता है। प्याज का कलर देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ी मिर्ची। अब उसको भी हम फ्राई करेंगे। गैस जो है उसको स्लो ही रखना है, ये मीडियम और स्लो के बीच में रखना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना। ये देखें प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है, तो हम ऐसे आहिस्ते आहिस्ते इसको ऑयल से इस तरह से साइड पे करते जाएंगे, क्योंकि अब हमने इनको निकालना है ताकि ऑयल जो है वो सारा बीच में चला जाए और इसे अच्छी तरह से निकल जाए। अब हमने ये सारा जो ये प्याज और सब्ज़ मिर्ची जो फ्राई की है इसको निकाल के हम अंडे में डाल देंगे। ये देखें मैंने इसमें प्याज और सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि वो पानी छोड़ देता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पकने लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे हसबे ज़ायके यानी तकरीबन एक चुटकी नमक। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब जल्दी से दोबारा जाते हैं तवे की तरफ। हमने ये देखिए वही तवा लिया है, मतलब उसको दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें हमने एक चम्मच ऑयल और डाल दिया है। अब हम सारा ही जो अंडे का जो ऑमलेट का इसको डाल देंगे। ऑमलेट की हमने एक साइड फ्राई करनी है। अब हम इसकी दूसरी साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। ये देखें ऑमलेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, यानी देख लीजिए इसमें कच्चा पन ज़रा भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो कच्चा अंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गैस कर लेते हैं बंद और इसको हम निकाल लेते हैं।
ये देखें हमारा मज़ेदार सा अंडा बिल्कुल रेडी है। इसमें कच्चापन भी नहीं होता प्याज और सम टमाटर वगैरह का, और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है।